हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 1 बज चुका है ऑलरेडी। तो मैं आपको बातें करते करते ही आगे का इंट्रोडक्शन दूंगी। हम लोग रेसिपी देखेंगे, तो ये देखिए तैयारी कर रही हूँ यहाँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, ये कट कर रही हूँ सब। मुझे है ना तड़के वाला जो राइस रहता है, जो येलो कलर का राइस, उसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन मराठी में हम लोग उसको फोड़नी चबाते ऐसे बोलते हैं। तो आज मैं वो बना रही हूँ। एक्चुअली मैं 2 टाइप के राइस बनाने वाली हूँ आज। ये एक एग राइस बनाने वाली हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन वो कल आएगा वीडियो। अभी तो मैं फिलहाल आपको ये वाला राइस बता रही हूँ। फोड़नी चबात बोलते हैं हम लोग इसको। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियोस देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, और मैं लाइव भी आती हूँ लेकिन कोई आ नहीं रहा है, उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है। आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि इस टाइम पे मैं आऊँ, तो मैं आऊँगी, ट्राई करूँगी आने के लिए। थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को, हम लोगों को, तो ही हम लोग आगे जाएंगे ना यूट्यूबर्स। ये देखिए मैंने तेल डाला था 3 चम्मच इसमें, और हींग डाला है अभी। तो ये देखिए मैंने इसके लिए क्या क्या लिया था, देख लीजिए। ये मिर्ची है, 3 मिर्ची है बड़ी वाली, ये कड़ी पत्ता है, ये लहसुन है, ये प्याज है, और ये राइस मैंने बना के लिया है। देखिए होगा आपको, ये देखिए मैं तो ताजे राइस का ही बनाती हूँ, लेकिन मोस्टली अगर आपका राइस कभी बच जाएगा तो उस वो राइस का ये रेसिपी बनती है, लेकिन अभी तो मैं ताजे वाले राइस का ही बना रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे तेल और हींग डाला है मैंने, अभी मैं इसमें राई डालूंगी। थोड़ा सा और प्याज काट रही हूँ, क्योंकि ना और लगेगा इसमें थोड़ा प्याज। बहुत जल्दी में हूँ मैं आज, मुझे बहुत लेट हुआ है खाना बनाने में। और कैसे है ना, मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम है, तो उनको 1 बजे लंच टाइम हो जाता है, तो तभी खाना खाएंगे तो अच्छा है ना काम के बीच में। इसके लिए थोड़ी जल्दी में हूँ आज। ये देखिए और थोड़ा हाफ प्याज काटा है मेरे, और ये अभी राई देखिए बन, मतलब ये तड़क नहीं रही है। ये तड़क गई है, तो अभी हम लोग इसमें लहसुन डालेंगे। बहुत सिंपल है ये राइस बनाने में, येलो कलर का रहता है, आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग तो इसको फोड़नी का बाद बोलते हैं। मतलब इसको सिर्फ चौक देना है आपको, राइस को बस तड़का देना है लहसुन मिर्ची कड़ी पत्ता प्याज के साथ, ये अच्छे से ब्राउन हो जाए लहसुन। तो ये देखिए ब्राउन हो चुकी है अभी ये लहसुन, देख सकते हो आप। तो अभी इसमें मैं कड़ी पत्ता डालूंगी और मिर्ची भी और प्याज भी डालूंगी। ऐसे ना प्याज डालने से ये उड़ता नहीं है, जो तड़का मिर्ची का ये है ना, ये उड़ता नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें अभी हम लोग को नमक डालना है प्याज पकने के लिए। आपके
के हिसाब से डालिएगा, राइस को भी जितना लगेगा उतना नमक आपको डालना पड़ेगा इसमें, और हल्दी भी डालनी है लेकिन बाद में। तो मिक्स कर लेंगे। और क्या करेंगे ना, इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, वरना ये प्याज जल सकता है। इतना ही, जितना प्याज पकने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और गैस फास्ट करके इसको पकाएंगे। इसमें है ना, आप मूंगफली भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। आज मेरे पास है नहीं, लेकिन मूंगफली से ये बहुत टेस्टी लगता है राइस। अभी ये प्याज पूरा पकने तक और ये पानी पूरा मतलब सूखने तक हम लोग को इसको गैस पे ही रखना है, स्लो फ्लेम पे। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज भी थोड़ा पूरा ही पक चुका है और पानी भी कम होने आया है, तो इसमें हम लोग हल्दी डालेंगे। देख लीजिए इसमें से पानी पूरा चला गया है। ओके, इसमें से पानी भी अभी पूरा ये होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो राइस है, पका हुआ राइस, वो इसमें डालेंगे। मैंने नया राइस मंगवाया था, तो वो है ना थोड़ा शायद नया है पता नहीं, लेकिन ऐसे चिकट मतलब ऐसे हो रहा है ये राइस, पता नहीं क्यों अलग अलग ऐसे निकल नहीं रहा है। पानी भी मैं कम डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग अच्छे से ऐसे अभी सेपरेट करके लेंगे। ये देखिए, मैंने अभी पूरा ये मिक्स करके लिया है अच्छे से, आप देख सकते हो। अभी ये पूरा सेपरेट हो चुका है, लेकिन ये जब भी बन रहा है ना राइस, तो बहुत चिपक के बन रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। देखिए मैंने इसमें धनिया डाला है और ये राइस तैयार है, अभी पूरी तरह से रेडी है ये। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय।